चाइना का जो बॉर्डर वाला रास्ता है ना भाई, नेपाल साइड का बहुत गंदा है, बहुत ज्यादा गंदा। चाइना एंटर करने से पहले ना भाई, अपने स्कॉर्पियो एन की ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी ही पड़ेगी, इसके बिना हम चाइना के लिए नहीं निकल सकते। सब लोग भाई अपनी गाड़ी को ही देख रहे हैं, देखो मस्त है यार रोड प्रेजेंस तो ना, मतलब स्कॉर्पियो एन दिखने में वैसे भी तगड़ी है, और ऊपर से फिर जो रैप करवा रखा है उससे तो चार चांद लगी जाते हैं गाड़ी में ना। पता नहीं गाड़ी के रैप में हल्के हल्के से ना ऐसे हेयरलाइन स्क्रैचेस आए हुए दिख रहे हैं आपको, ये देखो, ये देखो लाश बन गया आते ही रजाई के अंदर, इतनी ठंड हो रही है। या कोई भी चाइना का इनकम्प्लीट मैप नहीं होना चाहिए हमारे पास, सामान में भी नहीं, गाड़ी पे भी नहीं। अब जो हमारा चाइना में भाई गाइड होगा ना, उसके लिए जुगाड़ बना रहा हूँ मैं, कैसे बिठाएंगे, क्योंकि तो कुछ भी सेंसिटिव मटेरियल ना हमारे फोन में होना चाहिए ना हमारे लैपटॉप में होना चाहिए, मैनुअली चेकिंग हो सकती है। फाइनली भाई लोग, हमारे जो एजेंट है ना वो आ गए हैं। उनका 15 मिनट पहले हमारे पास मैसेज आया था कि हमारा ग्रुप वीजा जो है वो चाइना का लग चुका है फाइनली। वैसे तो रिजेक्ट होना नहीं था, बट जो मेरे पासपोर्ट पे टर्की का स्टैंप और वो था ना वीजा, उसकी वजह से थोड़ा सा लग रहा था कि रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि चाइना ना अगर आपके पासपोर्ट में टर्की या पाकिस्तान का स्टैंप है तो बहुत शक करता है। बट फिर भी यार 3 दिन में मिल गया अपन को, 2 हॉलीडेज थी और 3 बिजनेस डे, तो 5 दिन में मिला इन शॉर्ट। नीचे चलते और अपना पासपोर्ट लेते, आ जाओ जी आ जाओ। अब कितने दिन का मिला है वो देखना है, क्योंकि हमने तो भाई 40 दिन का अप्लाई किया था कि हमें 40 दिन का स्टे चाहिए, वैलिडिटी जो 3 महीने मिलती है, बट स्टे कितने दिन देंगे। हेलो हाउ आर यू? आई एम ओके, हाउ आर यू? आई एम गुड टू। सो फाइनली डन, तो नो वीजा ऑन पासपोर्ट राइट? अपने पासपोर्ट में कुछ भी नहीं लगा, ना कोई स्टैंप ना कोई वीजा, बट दे विल स्टैम्प ऑन एट द बॉर्डर राइट? और नो? नो, आई डोंट थिंक सो। भाई बॉर्डर पे भी पासपोर्ट पे स्टैम्प नहीं होएगा, सिर्फ हमारा ये पेपर पे वीजा निकल के आया। टू वीजास, ओके, दीस टू आर ओरिजिनल? यस, दिस इज द ओरिजिनल। ओके, सो दीस टू आर ओरिजिनल्स, यू हैव टू शो वन व्हेन एंटरिंग द एंटरिंग टिप, ओके, and one while exiting. Oh, okay, so we have to give them this? No, just show it. Okay, so they will stamp on this paper, I think. Maybe, I have no idea about okay. that. okay, okay, हमें भी idea नहीं है, हम आपको बताएंगे भाई जो process है। तो दो है, and how many days total? 3 months and stay of 5th December to 15 January. Yeah. So almost 40 days, right? हाँ, 40 दिन का ही मिला भाई, apply भी 40 दिन किया था, पूरा दे दिया, और validity 3 महीने की है। तो सही है, बल चलो 5 दिसंबर को इशू हो गया है, हमारे नाम है इसमें और थोड़ा सा कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है। या ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, सी यू सून, ओके, मेबी नेक्स्ट टाइम, ओके ओके, बाय बाय। पेज भाई चिपक गए थे, हट ही नहीं रहते, ये देखो 2 पेज है ऐसे पूरे। और अभी मैं ऊपर चल के आपको ना भाई डिटेल में समझाता हूँ कि चाइना एंटर करने के लिए ना कितने लफड़े हैं अपनी गाड़ी से। आप वैसे एज अ नॉर्मल टूरिस्ट जा सकते हो, फ्लाइट पकड़ के इंडिया से अपना वीजा लो दिल्ली से और फ्लाइट पकड़ो, बीजिंग उतरो, कहीं भी शंघाई उतरो और घूमो। लेकिन अगर आपको तिब्बत साइड से एंटर करना है ना, बहुत 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 ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, बहुत सारे परमिशन लेने पड़ते हैं, एंड स्पेशली भाई बहुत सारा पैसा भी लगता है। वो सब प्रोसेस मैं आपको इस वाले व्लॉग में अच्छे से समझाऊंगा, और सारी तैयारी भी करनी है भाई, अपनी गाड़ी को रेडी करना है जाने के लिए ना, तो वो बने रहना व्लॉग के एंड तक, ठीक है जी। चाइना में एंट्री ना एक दिन हमें डिले करनी पड़ेगी, वैसे तो हम कल ही निकल जाते और 7 तारीख को एंटर कर जाते, बट अब हम कल की जगह परसों निकलेंगे यहाँ से, एक दिन पूरा बॉर्डर तक जाने में लगेगा, और फिर उससे अगले दिन यानी 8 तारीख को एंटर करेंगे चाइना में, क्योंकि कल का पूरा दिन भाई हमें गाड़ी की प्रिपरेशन के लिए चाहिए, सफाई वगैरह करनी है, जो जो हमारे टूर गाइड ने इंस्ट्रक्शन भेजी है ना व्हाट्सएप पे, उन सबको भाई ध्यान से देखना है, बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस है, वो सब को मैं बताऊंगा पॉइंट बाय पॉइंट, तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है, वो सारा कुछ हमें अच्छे से कल पूरे दिन शांति से बैठ के रेडी करेंगे, ताकि एंट्री के टाइम पे ना कुछ भी लफड़ा ना हो हमारे साथ। The next morning. बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई, आप भी बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहते हो तो अभी के अभी हनी गेन का यूज करो, क्योंकि हनी गेन पे ना सिंपली आपको अपने इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करना है, जस्ट लाइक एयरबीएनबी और उबर। बट फर्क ये है कि इस केस में ना आपका मोबाइल आपके लिए काम करेगा रेदर देन योर हाउस और कार। अब देखो पहले ये बता दूं कि भाई इतने पैसे नहीं कमा के देगा कि आप हमारी तरह ऐसे इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया की रोड ट्रिप कर लो, बट इतने पैसे आप कमा सकते हो कि अपना मोमोज वोमोज का खर्चा निकाल लो या नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन वगैरह का। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, हनी गेन ना आपका कोई भी पर्सनल डेटा कलेक्ट नहीं करता, तो ये बिल्कुल ही सेफ है। ये ना आपके इंटरनेट कनेक्शन को यूज करेगा टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी वेब, सच एज कौन सी वेबसाइट पे बेस्ट प्राइस मिल रहा है एंड कहाँ पे नकली चीजें बेची जा रही है। इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई बिल्कुल सेफ ऐप है, अभी के अभी जाओ, लिंक मैंने नीचे दे रखा है। एंड साथ ही साथ ना भाई मेरा कूपन कोड जो कि है इंडियन, ये जरूर यूज करना, इससे ना आपको $5 का साइन अप बोनस मिलेगा फ्री फंड में, और क्या चाहिए भाई। तो
जल्दी जल्दी जाओ। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी आज है 5 दिसंबर 2023। मैं हूँ अभी नेपाल की कैपिटल काठमांडू में एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम भाई 11 से भी ज्यादा कंट्रीज कवर करेंगे एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। लंदन रोड ट्रिप को आपने बहुत तगड़ा सपोर्ट दिखाया, ऐसे ही भाई इस ट्रिप को भी दिखाना। साथ ही साथ भाई अगर आप जानना चाहते हो पूरा वर्ल्ड फ्री में कैसे ट्रैवल करे तो मेरा कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके फटाफट से साइन अप करो। मेरा कूपन कोड IB40 जरूर यूज कर लेना, इससे आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जितने भी लोग कोर्स में एनरोल हो रहे हैं भाई, वेबिनार भी होंगे तो 1-on-1 वीडियो कॉल वगैरह भी आप कर सकोगे मेरे से, तो फटाफट जाओ, मौका गंवाना नहीं है बिल्कुल, ठीक है जी। तो जी आज नेक्स्ट डे है और हमारा लास्ट डे भी है काठमांडू में, तो मैंने सोचा एक यहाँ का ना बड़ा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जिसे कहते हैं ये बुद्धा स्तूपा, तो यहाँ चलते हैं, थोड़ा सा आपको काठमांडू घुमा भी देंगे। और वैसे तो काफी घुमा दिया, पशुपतिनाथ टेम्पल, आसन बाजार, इसके अलावा एक हम गए थे दरबार स्क्वायर, तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी घूम चुके हैं, बट ये लास्ट चलते हैं भाई। 6.1 किलोमीटर है, 21 मिनट का रास्ता दिखा रहा है हमारे होटल से, तो लेट्स गो। इसके अलावा भाई गाड़ी भी बहुत ज्यादा गंदी हो रही है, तो आज वॉशिंग भी करवा लेंगे चाइना एंटर करने से पहले। गूगल मैप मुझे लगता है कभी कभी ना फंसवा देता है। अब ये बुद्धा स्तूपा यहाँ से 300 मीटर है, बट रोड पे तो पार्किंग थी नहीं, इस गली में लोकेशन दिखा रहा है, पता नहीं यहाँ पे पार्किंग है नहीं है। पार्किंग है क्या अंदर? तो बुद्धा स्तूपा के लिए कैसे जाना है? नहीं, इधर रास्ता छोटा है। अच्छा, फिर बाहर उतर जाइए, आगे है रास्ता। देखा, गूगल मैप हमेशा फंसवा देता है नेपाल में ना, पता नहीं क्या पतली पतली गलियों से जाने का शौक है, इतनी चौड़ी। देखा, गूगल मैप हमेशा फंसवा देता है नेपाल में ना, चौड़ी रोड जब होती है तो वापस मेन रोड पे जाना पड़ेगा और वहां से फिर घूम के अपना मेन पार्किंग जो है वहां जाना। अभी जस्ट पीछे ना पार्किंग एक दिखी तो है, बट पता नहीं मुझे कि उसी की बात कर रहे थे या कौन सी है, समझ नहीं आ रहा। ये तो हम दूर जाते जा रहे हैं बुद्धा स्तूपा से और फिर पैदल आना पड़ेगा इतने दूर। कैसे हो? मैं बढ़िया, बस आप बताओ। मैं ढूंढ रहा था आपको। अच्छा, आप स्टोरी भी नहीं डालते है, किधर है, कहाँ है। थोड़ा सा अभी चाइना एंटर करेंगे ना तो डिले होएगा, इसलिए उसके बाद करेंगे। चाइना का वीजा मिल गया? हाँ, वीजा मिल गया। कितने देर में आप? हम कल पहुंच जाएंगे, कल यहाँ से चलेंगे। हाँ, एंटर करने के एक फोटो कर रहा ले लो, रोहन को भेजता हूँ, एक बार पूछ लेगा पार्किंग, क्योंकि ना बेसमेंट वाली है तो हाइट मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो की ना अंदर जा नहीं पाएगी। यूरोप में भी यही प्रॉब्लम बहुत जगह आई थी भाई, स्कॉर्पियो की हाइट पार्किंग में घुसती नहीं थी, तो एक बार पता करेंगे फिर ही पीछे लेंगे, वरना फायदा नहीं ना। भाई शुक्र है पार्किंग मिल गई है, पेड़ है, 50 रुपए घंटा है गाड़ी की, मतलब नेपाल के तो सस्ता ही है फिर तो, बढ़िया। किसी का प्लॉट है शायद ये ना, अपने प्लॉट में ही इन्होंने पार्किंग बना दी, सही बिजनेस है, क्योंकि पता है उन्हें टूरिस्ट आएंगे भाई बुद्धा स्तूपा में तो वहाँ पे पार्किंग है नहीं, तो यहीं खड़ी करेंगे और कहाँ करेंगे। और ये एक पार्किंग नहीं है शायद से ना, और गलियों में 2-4 पार्किंग और बना रखी है लोगों ने, तो सही है भैया। आज ना सुबह होटल से जल्दी निकल गए थे तो पूरा दिन है अपने पास मस्त घूमने के लिए, और जो भी तैयारियां करनी है ना, गाड़ी को रेडी करना है, धुलवाना है। और एक चीज और भाई, गाड़ी का राइट वाला जो पीछे का टायर है ना भाई, इसमें हमने अभी हवा भरवाई थी परसों, क्योंकि 25 पे पहुंच गई थी, आज देख रहे हैं वापस से 25 पहुंच गई है, तो मुझे लग रहा है पंचर है इसमें टायर में, तो इसको भी अभी जाते वक्त रिपेयर करवाना पड़ेगा, क्योंकि चाइना का जो बॉर्डर वाला रास्ता है ना भाई नेपाल साइड का, बहुत गंदा है, बहुत ज्यादा गंदा, तो वहां पे पंचर वाली गाड़ी ले गए तो फंस सकते हैं बीच में। बाकी ये भाई जो अभी मिले थे ये भी स्तूपा तक ही जा रहे हैं, तो इन्हीं के साथ साथ चलते हैं आज। तो भाई ये एंट्रेंस है पीछे, आप देख सकते हो इतना बड़ा बुद्धा स्तूपा है, और एंट्रेंस की टिकट भी है शायद से लेनी पड़ेगी, यहाँ से टिकट है? नहीं है, नहीं है टिकट भाई, आ जाओ चलो। टिकट है तो कहाँ से मिलेगी? बाहर से टिकट है भाई साहब, हमें ऐसी बिना टिकट के ले जा रहे थे, बताओ हैं, यहाँ से लेनी पड़ेगी। अब कितने की है? और वही है ऐसे RC कंट्रीज के लिए 100 रुपीज, मतलब अपने इंडिया की भी 100 ही है, इंडिया के लिए भी 100 है ना, देना उसमें से 2 टिकट इस तरह की भाई, 2 टिकट्स है, और अगर आप दूसरी कंट्री से हो तो 400 रुपए की है, और ये सारा प्राइस नेपाली में बता रहा हूँ मैं, 1.6 से डिवाइड कर लेना इंडियन करेंसी में बन जाएगा। जो नेपाल के लोकल लोग है ना उनके लिए कोई टिकट नहीं है, इसलिए भाई वो सीधा चले गए थे, बट हमें टिकट की जरूरत पड़ती है। ये कितनी देर के लिए वैलिड होती है टिकट? दिन भर के? पूरा दिन? अच्छा ठीक, पहले का
ओके, तो ये मैप टाइप का दे दिया इन्होंने सब कुछ, मैप नहीं मतलब सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर पोस्टर टाइप का कहाँ पे क्या है। चलो आ जाओ, ऊपर जाने का तो रास्ता यहाँ से बंद कर रखा है। ये देखो वैसे पहले जा सकते होते हैं बट अभी अलाउड नहीं है। इस वाले व्हील के यहाँ पे हमने कर लिया है एंट्री, वहाँ वीडियो शूट करना अलाउड नहीं था। इधर देखते हैं क्या है और आगे की तरफ, मेरे ख्याल तो और कुछ नहीं है। यहाँ पे दिए वगैरह जला रखे हैं और बस हाँ यही है शायद से भाई, खत्म। मेन तो एरिया वही वाला था और वही एंट्री बंद कर रखी है शायद से भैया। बाहर वही सेम कबूतर चौक है, देखो भाई कितने सारे कबूतर है यहाँ पे। यार मेन जो बुद्धा स्टैचू है ना वो इस वाली बिल्डिंग के अंदर है बट अंदर शूटिंग करना अलाउड नहीं है, तो हम हो जाते हैं खाली जाके, आपको नहीं दिखा पाएंगे। और ये वाला तो बस इतना ही देख सकते थे और कुछ है ही नहीं। अब भाई इस वाले एंगल से देखो प्रॉपर आपको अच्छे से स्तूपा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दो डोम है, एक ये वाला डोम है और एक वो दूसरा मेन डोम है, एंड यहाँ सारी जगह तिब्बतन फ्लैग्स लगे हुए हैं। तो अब एक्चुअल में जो लुक है ना यहाँ से दिखाई दे रही है मस्त एकदम। सर्दियों के कपड़े भाई हर जगह मिल रहे हैं, इतनी सारी दुकानें हैं यहाँ पे, आप मस्त शॉपिंग कर सकते हो इस एरिया में। वही वुलन जो मोटे वाले कपड़े होते हैं ना, बट अपन को कोई शॉपिंग नहीं करनी भाई, फुल शॉपिंग हो रखी है। बस हम तो स्तूपा देखने आए थे और मुझे लगा अंदर से अलाउड होगा बट अंदर भी इन्होंने एंट्री बंद कर रखी है पता नहीं क्यों। चलो जी बुद्धा स्तूपा का टूर अच्छे से हो गया है, प्रेयर कर लिया अपनी ट्रिप के लिए ताकि अच्छे से हो जाए। अब निकलते हैं भाई, गाड़ी पार्किंग में खड़ी है, वहां से लेके उसकी पूरी प्रिपरेशन जो पंचर वंचर लगाना है सारा काम करवाते हैं चल के। भीड़ देखो भाई अभी भी काफी लोग ना आ रहे हैं, मतलब मेन टूरिस्ट स्पॉट है ये देखो, इंडिया से कितने लोग हैं, साउथ साइड से भी आए हुए हैं। ये रोड भी भाई बहुत ज्यादा क्राउडेड है, आपको पार्किंग तो ऐसे रोड पे तो मिल ही नहीं सकती, चाहे बाइक हो चाहे गाड़ी हो आपको प्रॉपर पार्क ही करके आनी पड़ेगी। ये देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक हर जगह भाई। 50 रुपए लगे भाई 20 मिनट में हम आ भी गए तो ठीक है, मतलब ज्यादा महंगी पार्किंग नहीं है। चलते हैं जल्दी जल्दी। वहां से निकलते ही भाई पंचर की एक छोटी सी दुकान मिल गई, तो यहाँ पे लगवाते हैं। पहले इनसे रेट पूछ लेते हैं कितना ले रहे हैं। कितने रुपए का है पंचर? कौन टायर? ये वाला टायर है, इसमें हवा कम हो रही है बार बार, तो चेक कर लो शायद पंचर। इसमें लिक्विड नहीं है, है? लिक्विड नहीं है अंदर, लिक्विड नहीं है कोई, ट्यूबलेस टायर है। हाँ इसमें आप लिक्विड डालना है ना, अंदर से डालना है। क्या लिक्विड डालना है? लिक्विड नहीं डालना, पंचर बनाना है। पंचर बनाना है 450 रुपए। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होगा, अंदर से डालेगा, ये खोलेगा फिर भरेगा सब करेगा अंदर से पंचर, मतलब अंदर से डालेगा। ऐसा क्यों? वो अच्छा है। नहीं बाहर से ही डाल दो ना, टायर से नहीं होगा हमारा। हमने पहले भी लगवाया था बाहर से, क्या दिक्कत है? अंदर से तो टाइम लग जाएगा, खोलोगे सारा निकालोगे 10-15 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। वो तो देखना पड़ेगा ना कहाँ कहाँ है वो पंचर, वो तो पहले नालन तो लगना पड़ेगा। कितने सही ले लो पैसे? हाँ? कितने लोग है? 450 सब फुल फिटिंग सब कर। ज्यादा है 450 तो? ये भी वाला टायर है ना, ये निकालना पड़ेगा, सब चेक करना पड़ेगा। चलो निकालो, 400 ले लेना। भैया कह रहे अंदर से खोल के लगाएंगे, ये टर्की वाला हिसाब किताब होगा जो टर्की में होता है ना वैसे ही। आओ दिखाओ। हाँ मैं समझ गया, अंदर से वो लगाओगे पैच सा, पैच आता जो है ना, ठीक है। अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं, लगा दो निकालो। ठीक है भाई लगवा लेते हैं, 400 रुपए में बात हो गई नेपाली, इंडिया के 250 रुपए के आसपास। चाइना एंटर करने से पहले ना भाई अपने स्कॉर्पियो की ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी ही पड़ेगी, इसके बिना हम चाइना के लिए नहीं निकल सकते। इस तरह की लोकेशन है भाई, पूरा चलता हुआ ट्रैफिक है रोड पे, एंड ये खड़ी अपनी स्कॉर्पियो एन, ये वाला टायर है देखो। अरे यार हाँ ये वाला टायर है। अरे यार भैया क्या कर रहे हो, चले जाओ। हाँ ये वाला टायर है जिसमें से हवा खत्म हुई है अपनी, बार बार 24-25 हो रही है। ओए ओए मिनी बस देख रहे हो भाई नेपाल की, क्या बात है। मैंने बताया था ना आपको बसों में ट्रकों में ब्लैक कलर की नंबर प्लेट है, और जो प्राइवेट व्हीकल है उनमें लाल कलर की। जैसे कि ये बाइक देख लो लाल कलर की है ना नंबर प्लेट, जैसे अपने इंडिया में प्राइवेट वालों के लिए व्हाइट नंबर प्लेट है और जो कमर्शियल है उनके लिए येलो है, तो यहाँ पे ये कलर है। भैया को ना नट का साइज वाला पालना ही नहीं मिल रहा, अब नहीं मिला तो हम अपना निकाल के दे देंगे।
तो भाई ये देखो, ये कील दिख रही है ना आपको, ये है पंचर। एंड साथ वाली दुकान से मैंने ले लिया भाई आलू की सब्जी, कचौरी, समोसे और प्याज के पकौड़े। सुबह से कुछ खाया नहीं हुआ तो खाना खा लेते हैं। 150 नेपाली रुपए, इंडिया के 90 रुपए। मस्त भाई, सेकंड सीट में बैठ के गजब, एक नंबर। चलो जी चलो, पंचर लग गया। 35 करनी है भैया, 35, ठीक है 35 करना। चलो अब लगवाते हैं गाड़ी में टायर। ये अब हमारी गाड़ी का ना ये वाला जो टायर है इसमें एक बार पंचर लग चुका है, एक बार भी नहीं दो बार पंचर लग चुका है इसमें तो। और जो ये वाला टायर है इसमें एक बार, बाकी के दोनों टायर जो है वो पंचर लेस है, एक बार भी पंचर नहीं हुआ। और जो हमारा स्पेयर व्हील है वो भी कभी पंचर नहीं हुआ, तो बढ़िया है। पंचर चेक अच्छे से चेक कर लिया भाई, अब कहीं भी हवा लीक नहीं हो रही है तो मस्त काम हो गया है। गंदी बहुत हो रही है गाड़ी, इसको ना अच्छे से वॉशिंग करवा लेते हैं अंदर से भी बाहर से भी, ताकि ना मस्त फिर अगले 30 दिन ना रहे अपने को। और सबसे इम्पोर्टेंट भाई, सारा का सारा सामान अच्छे से फिट करना है, क्योंकि बॉर्डर पे ना सारा सामान निकालना पड़ेगा और एक एक बैग खोल के दिखाने पड़ेंगे। तो हमें भी देखना है कि कौन से बैग में क्या सामान है, ताकि बॉर्डर में जब भी वो हमसे कोई क्वेश्चन करे तो हम आंसर दे दे। वो देखो भाई, प्लेन जा रहा है, काठमांडू एयरपोर्ट पास में ही है ना, क्योंकि यहाँ पे सब लोग भाई अपनी गाड़ी को ही देख रहे हैं। देखो मस्त है यार रोड प्रेजेंस, तो ना मतलब स्कॉर्पियन दिखने में वैसे भी तगड़ी है, और ऊपर से फिर जो रैप करवा रखा है उससे तो चार चांद लगी जाते हैं गाड़ी में ना। सारे नट टाइट कर देंगे भैया अच्छे से, ताकि फिर दिक्कत ना हो कोई भी आगे। और एक ब्रांड का इंटीग्रेशन शूट करना था, इसलिए मैंने ये हुडी पहन ली, क्योंकि पुराने व्लॉग में उसको इंटीग्रेट करना है ना, तो इसलिए कपड़े वही होने चाहिए सेम, थोड़े ब्रांड के गाइडलाइंस होती है। बाकी अभी ब्रांड का शूट हो गया है तो वापस से वो जैकेट पहन लेता हूँ। इधर सोहन जो है वो पेमेंट कर रहा है भाई, कचौरी वगैरह की इस दुकान से ली थी हमने, मस्त टेस्ट था। कचौरी तो भाई इंडिया से भी अच्छी लगी मुझे, जो आलू का मिक्सर था ना उसके अंदर, एक नंबर। हाँ मतलब वही इंडिया से अच्छी नहीं, गुड़गांव से अच्छी थी, जो मैं गुड़गांव में खाता हूँ। और अलग देश जगहों पे अच्छी अच्छी मिल सकती है भाई, नो डाउट। बट गाड़ी देखो भाई क्या लग रही है गाड़ी, मतलब गाड़ी का तो कोई तोड़ ही नहीं है, क्यों? सही बात है ना, कमेंट्स में बताओ सही कह रहा हूँ कि नहीं। यहाँ पे अपने एक और सब्सक्राइबर मिले, और ये भी यूट्यूबर ही है, देख लो गोप्रो से पूरा। ये यार गोप्रो सही आ गया पता है, मीडिया किट लगाओ, माइक में ऑडियो भी अच्छी, और बस नाइट में अच्छी क्वालिटी नहीं आती है ना, अच्छी नहीं आता है। बाकी नाइट के भी वो फ्लैश लाइट लाइट है, हाँ लाइट लगा लो फिर रोशनी आ जाएगी। चलो बना लो आप, भैया ने वीडियो बनानी है। यहीं पे खड़े खड़े भाई अपने 10-12 सब्सक्राइबर्स मिल गए, तो जो काठमांडू का मीटअप था ना समझ लो वो गया। इस रोड पे शोर बहुत है, तो अब निकलते हैं यार यहाँ से व्लॉग में, वरना आवाज अच्छी नहीं आ रही होगी। चलो जी चलो निकलते हैं, वॉशिंग वाला ढूंढते हैं कोई। बाय बाय, सभी को बाय बाय बोल दिया है, लेट्स गो। चलो भाई, डीप क्लीनिंग की अच्छे से बात हो गई है, बाहर अंदर दोनों जगह से साफ होएगा, 600 नेपाली रुपए में, इंडिया के वही 350-400 रुपए। जल्दी जल्दी करवाते हैं भाई, अंधेरा होना शुरू हो जाता है, वरना आना जल्दी कर दो भैया, शुरू कर दो, तैर पैर खींच दो भाई। यहाँ पे ना अपने को एक महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक मिली है, यहाँ देख सकते हो आप, S10 वेरियंट है ये, एंड इनकी है ये गाड़ी। कितने की है नेपाल में? 65-70 लाख। बताओ 70 लाख रुपए की है भाई, ये कितनी महंगी है अपनी स्कॉर्पियो, तो फिर 1 करोड़ के ऊपर की होगी है ना पक्का। चलो भाई, बाहर से तो वॉशिंग हो गई है, अब सुखाया जा रहा है गाड़ी को, और फिर अंदर से इंटीरियर क्लीन किया जाएगा मस्त वाला। चलो भाई, गाड़ी की क्लीनिंग डन, अब सारा सामान फिट करवा रहे हैं और फिर निकलते हैं। थोड़ी सीट आगे कर लो भैया, बस ये डब्बे रखने हैं, इसके बाद गद्दा रखेंगे और काम हो जाएगा। मस्त खुशबू कर दी आपने तो है भैया, अंदर स्प्रे व्रे मारा है क्या, ऐसे सुगंधित सा हो गया पूरा केबिन। बस भैया लगा दो इसे। चलो जी, अपना बेड तैयार है लेटने के लिए, कभी कमर सीधी करनी हो, दर्द हो जाता है ना चलाते जाते तो काम आती है। चलो जी, ऑल सेट टू गो, पैसे देते हैं और निकलते हैं। पता नहीं गाड़ी के रैप में हल्के हल्के से ना ऐसे हेयरलाइन स्क्रैचेस आए हुए दिख रहे हैं आपको, ये देखो। पता नहीं किससे, वॉशिंग से तो नहीं हो सकता ये, कैसे? ये देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, पर ये ना हमारा जो रैप है इसके ऊपर एक तरह की पन्नी चढ़ी हुई है, तो सारे स्क्रैचेस पन्नी पे है। अगर मैं पन्नी उतार दूंगा तो रैप साफ सुथरा है, बट क्यों उतारनी पन्नी भाई, मजेदार है। और वैसे भी ये रैप तो भाई इसी ट्रिप के लिए है, फिर इंडिया जब पहुंचेंगे कुछ अच्छा डिजाइन करवाऊंगा जिसमें लंदन ट्रिप का भी पूरा दिखे,
और ऑस्ट्रेलिया ट्रिप का भी दिखे, पता चलना चाहिए ना भाई गाड़ी जो है वो 42 देशों से होके आई है ना। यहाँ के आप घर देखोगे ना भाई, लोगों ने ना ज्यादातर प्लस्तर करवा ही नहीं रखा, मतलब ऐसी ईटे छोड़ रखी है। देखो ये फ्रंट लुक भी ऐसा है, इसका साइड लुक भी ऐसा है, उधर देखो वहाँ भी ईटो ईटो का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इन्होंने प्लस्तर करवा रखा है बस। और वो सामने वालों ने मतलब जो मॉडर्न बिल्डिंग है उन्होंने तो करवा रखा है, जैसे इन्होंने भी करवा रखा है, वो पीछे भी हो रखा है, लेकिन वो घर देखो भाई वहाँ भी प्लस्तर नहीं है कहीं पे भी। वही है भाई, जैसे जैसे आप अलग अलग देशों में जाते जाओगे ना आपको कुछ यूनिक यूनिक चीजें देखने को मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है इंडिया में भी नहीं होता, ऐसा इंडिया में भी कई घरों में बिना प्लस्तर के होता है, बट मेजोरिटी घरों में लोग प्लस्तर करवाते हैं, लेकिन यहाँ मेजोरिटी घरों में नहीं करवाते। हो गया पक्का, बढ़िया एकदम डन है जी, चलो हो गया है मस्त एकदम, बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है भाई, अपने होटल से ना 4 किलोमीटर दूर है और गूगल मैप पे टाइम पता कितना दिखा रहा है, 25 मिनट। सोच लो भाई कितना गंदा ट्रैफिक होगा इस वक्त काठमांडू में। 4:30 ऑलरेडी बज गए हैं, कोई नहीं जल्दी जल्दी चलते हैं और अपना सामान ना होटल रूम से सारा पैक वैक करके गाड़ी में सेट करना शुरू करें ताकि कल ना जल्दी निकल सके 9-10 बजे। 10 बजे तो नहीं होता, 10:30 तक तो निकल ही लेंगे। पहुंच गए भाई होटल और अभी भी गाड़ी चलाने में ना हल्का हल्का सा पेन होता है, स्पेशली जब ट्रैफिक आता है ना और ऐसे बार बार ब्रेक रेस दबानी पड़ती है, तब थोड़ा सा फील होता है। बट अब एक्सरसाइज ही करनी है, रोज फिजियोथेरेपी के तो सेशंस खत्म हो चुके हैं, तो जो है एक्सरसाइज के भरोसे ही ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचना है। खाना आ गया भाई अपना, ये रोटियां देख लो, आज लास्ट दिन है बस ये मिल रही है, उसके बाद 35 दिन चाइना में रोटी कम ही देखने को मिलेगी, हमें ही चावल बना बना के खाने पड़ा करेंगे। कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया तो हो सकता है मिल जाए, वरना मुझे नहीं लग रहा रोटी मिलेगी। तो एंजॉय करते हैं भाई अपनी लास्ट मील 35 दिन तक, उसके बाद थोड़ा सहना पड़ेगा, क्या करें। जो कल हमने कपड़े दिए थे वो लेने मैं वापस आ गया हूँ भैया की शॉप पे। देखो मैं कितना टाइम का पाबंद हूँ, एकदम टाइम पे आ गया 7 बजते। कल जो कपड़े दिए थे वो मिल गए, भैया ने तो एक और दूसरी दुकान बता दी है, वहाँ जाते हैं और ये पर्ची पकड़वाते हैं और अपने कपड़े ले लेते हैं और उनकी पेमेंट भी कर देते हैं। भैया ने तो ये जो सामने स्मार्ट मोबाइल केयर वाली दुकान है वो बताई थी, देखो यहाँ मिलते हैं नहीं मिलते। तो लो जी भाई, भैया को पेमेंट कर देता हूँ। तो देखो नेपाल में कुछ आटा इस तरह का है, चक्की आटा, पता नहीं कैसा होगा, पर ले लेते हैं 2 केजी। कितने का होगा ये? 180। अंकल अभी बहुत गुस्से में। तो भाई आटा ले लिया और आटा है 2 केजी यहाँ नेपाली के 180 रुपए, और मैंने आंटी जी को दिए 500 रुपए का नोट और आंटी जी ने 20 रुपए मुझे वापस दिए। मैंने कहा 20 रुपए कैसे दे दिए, फिर मैंने आंटी को वापस बोला कि आंटी क्या कर रहे हो, फिर आंटी ने कहा सॉरी गलती हो गई, गलती से इधर उधर निकल जा, फिर उन्होंने पूरे पैसे वापस दिए। अगर तुम में से भी किसी को मेरे हाथ की रोटी खानी है तो सीधा चाइना पहुंच जाना, बाकी अपना जुगाड़ करके आना, बाकी आटा मैंने ले लिया है पूरे 2 केजी। ये लो अपने 7 जन्मों के कपड़े। लैपटॉप थोड़ी तोड़ना है, सब तोड़ दूंगा मैं। आटा ले आओ फिर पैकिंग शुरू करें, कल निकलना भैया चाइना के लिए। मैं वीडियो रेंडर कर रहा हूँ सारी की सारी, क्योंकि आपको पता ही है चाइना में भाई यूट्यूब बैन है, तो सब कुछ यहीं से ही अपलोड करके जाना पड़ेगा वरना आपको व्लॉग मिलेंगे। चलो जी सोहन सारा सामान ले आया जो जो लाना था, ये देखो लाश बन गया आते ही रजाई के अंदर, इतनी ठंड हो रही है। कोई नहीं काम कर लो। मैं करता हूँ भाई फटाफट से पैकिंग शुरू ताकि साइड बाय साइड सारे काम हो सके। अपने लैपटॉप से मैंने 2 वीडियो रेंडर लगा के ना अपना अपलोड पे भी लगा दी, ताकि चाइना पे आपके लिए ना टाइम टू टाइम वीडियोस आती रहे और डिले ना हो। VPN भी लगाएंगे वहाँ पे, तब भी भाई स्पीड स्लो आएगी, तो रिस्क लेने का ही नहीं, यहीं से ही अपलोड करके जा रहे हैं। बचे हुए व्लॉग्स फटाफट से सोहन कर रहे हैं, इतने में जितना खिलारा पड़ा है ना भाई सारा का सारा सूटकेस में ऐसे चुटकी बजा के पटक देता हूँ, मतलब फिट कर देता हूँ। और उसके बाद फिर आपको बताऊंगा भाई जो गाइडलाइंस मिली है ना हमें चाइना एंटर करने से पहले वो कितनी खतरनाक सी है। तो करे पहले पैकिंग करते हैं फटाफट से, मिलता हूँ आपसे 3-2-1। चलो जी बूम, हुडी पहन ली है, नीचे जाने के लिए रेडी है, सामान भी सारा पैक हो गया, सारा तो नहीं 80% ये नीचे जाएगा गाड़ी में। सोहन का बैग रेडी है, इसको कुछ नहीं निकालना, मैं अपना सूट के सुबह ले जाऊंगा। ये मैट ले चलते हैं, अपना जो कंबल है वो ले चलते हैं, खाने ये चिप्स तो उठाओ भाई, देखो चिप्स कुरकुरे सारे, हाँ तो उठाओ ना, ये उठाओ, ये नहीं रहना चाहिए यहाँ, ये रह गया तो आग लगा दूंगा, क्योंकि इसके बिना मैं मैंगो शेक और बनाना शेक नहीं पी पाऊंगा फिर। यहाँ पे हम जो आम खा रहे थे ना भाई और मैंगो शेक पी रहे थे वो चाइना के ही आम थे, और अब चाइना जा रहे हैं, चाइना के आम फाड़ेंगे वहाँ जाके मस्त। बस और तो कुछ नहीं है भाई अभी फिलहाल ले जाने लायक। रूम की हालत देख लो भाई क्या बना रखा है, मतलब लग रहा है कहीं से होटल रूम है। ये खड़ी है भाई लोग अपनी प्यारी प्यारी गाड़ी, क्या मस्त चमक रही है ना वॉशिंग के बाद, एकदम धासु पूरा है ना। काफी हद तक तो सामान वहीं पे ही सेट कर लिया था हमने जहाँ वॉशिंग सेंटर था ना, मेन है डिक्की वाला सामान सेट करना है। चाबी लायो,
चलो जी सारा सामान सेट कर दिया है जितना कर सकते थे, बाकी सब सुबह करेंगे, अब ठंड बहुत हो रही है, जल्दी जाओ कंबल ले आओ बस। अब जो हमारा चाइना में भाई गाइड होगा ना, उसके लिए जुगाड़ बना रहा हूँ मैं कैसे बिठाएंगे, क्योंकि मैं ड्राइव करूंगा, सोहन आगे बैठ जाएगा क्योंकि मेरा शूट करवाना है, और जो हमारे गाइड होंगे उन्हीं को हमें पीछे ले जाना पड़ेगा। अब पीछे ले जाने में प्रॉब्लम क्या है, ये गद्दा तो चलो मैं किसी तरह फोल्ड फाल्ड करके ना फिट कर दूंगा उधर, बट ये बॉक्स की दिक्कत आएगी, इस बॉक्स को वहां करूंगा, या तो यही करना पड़ेगा भाई, गद्दे को बिल्कुल उधर फोल्ड करके ऐसे लेटा दूं, मतलब यूं, और ये डब्बा जो है उस सीट पे रख दूं, या फिर उस वाले डब्बे के ऊपर रख दूं डब्बा। मेरे को थोड़ी सी सीट में रिक्लाइन में दिक्कत होगी, बट वो बंदा यहाँ बैठ जाएगा आराम से बिना दिक्कत के। ठीक है चलो रखो जी, अरे हाँ कंबल भी, ऐसे कंबल भी रखना, चलो रखो भाई शर्मा क्या रही हो, रखो चलो लाइट बंद कर दो जल्दी करो फटाफट, ठंड लग रही है बहुत तेज। एंड हाँ भाई जो गाइडलाइंस आई है ना उसमें ये भी लिखा है कि ये जो जेरी कैन है ना ये तिब्बत में अलाउड ही नहीं है, सोचो बताओ क्या सोचूं मैं। और उसमें स्पेशली ये लिखा है चाहे भरा हो चाहे खाली हो, खाली भी अलाउड नहीं है। अब अगर उन्होंने बॉर्डर में दिक्कत करी तो भैया बॉर्डर पे ही छोड़ के जाना पड़ेगा ये, वरना तो क्या करे भाई, कैसे कैसे रूल्स है पता नहीं यार, समझ नहीं आता। मतलब ठीक है आप डीजल ना डालो भले ही, मत भरो कि अगर कोई मांगे भी, बट ले जाने तो दो भाई, बंदा आगे जा रहा है उसको ट्रिप में जरूरत पड़ेगी, ठीक है बट कोई नहीं भाई, अब जिस देश में जा रहे हो उस देश के रूल्स तो मानने ही पड़ेंगे ना। ऊपर से तिब्बत में तो डीजल और पेट्रोल को लेके भी बहुत दिक्कत है, अगर आपका गाइड आपके साथ नहीं है ना तो आपको फ्यूल भी नहीं मिलता वहाँ के स्टेशन में, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है यार हमारे लिए एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, चैलेंजिंग भी बहुत होगा बट मज़े आएंगे, कुछ भी हो अपना कमर साथ दे बस, और कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ईरान में जब इतने दिन झेल लिया ना भाई जो जो हुआ था वहाँ पे, तो चाइना भी झेल ही लेंगे। इस बार अभिषेक नहीं है, सोहन है, पिछली बार अभिषेक के साथ झेला था। मतलब मुझे झेल रहे हो? अबे तुम्हें नहीं, मैं कह रहा हूँ झेलना पड़ेगा तुम्हें अब जो जो होगा, समझ रहे हो बेटे। ये देखो भाई लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी है पूरी, जो जो गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है एक एक बताता हूँ। सबसे पहले तो कल हम जब बॉर्डर पे जाएंगे ना, मतलब नेपाल और चाइना का बॉर्डर, तो बॉर्डर के बिल्कुल पास वाला जो होटल है वो हमें लेना है, ताकि परसों सुबह सुबह हम फॉर्मेलिटीज क्लियर कर सके, क्योंकि बॉर्डर पे टाइम भी लग सकता है, मतलब क्या क्या चीजें चेक हो सकती है वो मैं बताऊंगा अभी आपको आगे। फिर इन्होंने लिखा टाइम डिफरेंस नेपाल और चाइना के बीच में इतना इतना है, तो उस हिसाब से सुबह इतने बजे हमारा गाइड पहुंच जाएगा वहां बॉर्डर पे, तो हमें भी पहुंचना है, ठीक है तो कोई नहीं। उसके बाद जब हम नेपाल का एग्जिट कर जाएंगे और चाइना के इमिग्रेशन के वहां पहुंचेंगे, तो गाड़ी हमें साइड में लगानी है भाई, और अपना सारा का सारा लगेज निकालना है, एंड कस्टम ऑफिस में जाके एक्सरे मशीन में अंदर स्कैन करवाना है, जैसे हमने इंडिया नेपाल बॉर्डर पे भी करवाया था, बट यहाँ थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होगी। इसके अलावा सामान में कोई भी फ्रूट्स नहीं होने चाहिए, और जो अल्कोहल की भी लिमिट है ना वो 2 बोतल पर पर्सन है, 1.5 लीटर की। हमारे पास तो खैर अल्कोहल है नहीं, और फ्रूट्स हमने गाड़ी में चेक कर लिया, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ऐसी कोई भी बुक्स, ऐसी कोई भी डिस्क या फिर पेन ड्राइव जिसमें कुछ सेंसिटिव पॉलिटिकल या रिलीजियस कंटेंट हो, या ऐसा एक मैप जो इसमें भाई ताइवान इंक्लूडेड ना हो एज अ पार्ट ऑफ चाइना, या कोई भी चाइना का इनकम्प्लीट मैप नहीं होना चाहिए हमारे पास, सामान में भी नहीं गाड़ी में भी नहीं। मतलब ऐसा तो है नहीं कि भाई गोली मार देंगे अगर निकलेगा, बट एंट्री देंगे तो वो रिस्क वाली बात है, इसलिए हमने चेक कर लिया सब कुछ। इसके अलावा चाइनीज इमिग्रेशन, इसके अलावा भाई जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं वो हमारा फोन भी चेक कर सकते हैं, स्पेशली पिक्चर्स वगैरह, तो कुछ भी सेंसिटिव मटेरियल ना हमारे फोन में होना चाहिए ना हमारे लैपटॉप में होना चाहिए, मैनुअली चेकिंग हो सकती है, ये नहीं है कंफर्म की होगी ही होगी बट हो सकती है, हमारे फोन में तो क्या है भाई, हम कुछ गलत काम थोड़ी करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो चाइनीज इमिग्रेशन स्टाफ है वो हमारे 2 ग्रुप वीजा के जो पेपर है ना उसमें से 1 वीजा पेपर ले लेंगे और दूसरा हमें दे देंगे एंट्री स्टैंप के साथ, और ये पेपर हमें पूरी ट्रिप में भाई संभाल के रखना है, क्योंकि जब हम चाइना से एग्जिट करेंगे ना तो उस वक्त ये पेपर उनको दिखाना होगा, उसके बिना चाइना से एग्जिट नहीं हो पाएगी, तो साफ लिखा है शब्दों में कि बिल्कुल ध्यान से रखना है उसे। फिर बॉर्डर क्रॉस करते ही ना हमारे जो गाइड है वो हमें एक गायरोंग करके एक छोटा सा शहर आता है वहां के एक लोकल पुलिस स्टेशन पे ले जाएंगे, जहां पे हमारी सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन होगी पासपोर्ट दिखा के, देख रहे हो भाई साहब मतलब कितनी स्ट्रिक्टनेस है। फिर इन्होंने बता रखा है कि 30 किलोमीटर बॉर्डर से दूर एक गैस स्टेशन है जहां पर आपको अपना डीजल भरवाना है, और इन्होंने कहा है कि काठमांडू में आप ऐसा डीजल भरवाओ जो -30 डिग्री तक रेटेड हो। अब यहाँ पे तो हमें कहीं भी नहीं मिला, तो इन्होंने कहा जितना कम से कम फ्यूल होना टैंक में उतना रखना, ताकि बॉर्डर क्रॉस करते ये जो गायरोंग सिटी में फ्यूल स्टेशन आएगा ना यहाँ पर ये -30 डिग्री रेटिंग वाला डीजल डलवा देंगे। तो अभी मैंने गलती ये कर दी कि परसों भाई फुल टंकी करवा ली और चलाई ज्यादा है नहीं, अब यहाँ से बॉर्डर जो है वो 150 किलोमीटर से भी कम है, तो समझ लो आधी टंकी भी यूज नहीं होनी, तो जो बचा हुआ डीजल है ना वो भाई हम बॉर्डर पे ही होटल वालों को गिफ्ट दे देंगे, थोड़ा बहुत रखे रखेंगे गायरोंग तक पहुंचने के लिए, वरना तो वो वेस्ट ही है
डीजल हमारे लिए, और जेरी कैन पे रख नहीं सकते, मैंने बताया। अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज भाई, जितने भी कैंपिंग वाले लोग हैं ना, जो मेरे को कह रहे थे कि अनमोल भाई टेंट लेकर जाओ और चाइना में कैंपिंग करना, तो उनके लेटेस्ट रूल्स के अकॉर्डिंग भाई अपने व्हीकल के अंदर सोना अलाउड ही नहीं है तिब्बत में। तिब्बत की बात कर रहा हूँ, जो मेनलैंड चाइना है वहां पे आप कैंपिंग कर सकते हो, इन्होंने लिखा हुआ है। क्योंकि तिब्बत रीजन जो है ना उसमें भाई गवर्नमेंट सर्टिफाइड होटल में ही हम रुक सकते हैं जिसमें टूरिस्ट अलाउड है रुकना, और वो भी सारे होटल्स लगभग 3 स्टार से ऊपर के है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंसिव होटल्स होंगे, प्लस हम अपनी मर्जी के किसी भी होटल में नहीं रुक सकते, गाइड हमें रेकमेंड करेगा कि ये होटल्स में रुकना अलाउड है, हम वहीं रुक सकते हैं। देख रहे हो, इस पे भी रिस्ट्रिक्शन है भाई। अगर आप ट्रिप के दौरान कुछ भी कुक कर रहे हो तो ओपन में आग लगाना प्रिवेंट करो, मतलब ना लगाओ तो ज्यादा बढ़िया, कोई गैस स्टोव वगैरह ले जा रहे हो तो। अगर आप जलाते हो किसी फॉरेस्ट एरिया में तो इट कैन कॉज बिग ट्रबल्स, साफ साफ लिखा हुआ है। बाकी कैश के बारे में लिखा है कि पर बंदा $5,000 ले जाना अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है, हमारे पास तो खैर है भी नहीं उतने। एटीएम्स के बारे में लिखा हुआ है कि गायरोंग सिटी में काफी एटीएम है, आप वहां से कैश निकलवा सकते हो, बॉर्डर पे करेंसी चेंज कर सकते हो, ठीक है हम डॉलर दे के कर लेंगे। अच्छा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, अगर हमें चाइना की सिम लेनी है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ गायरोंग टाउन में ही मिलेगी, और इन्होंने लिखा हुआ है इफ यू मिस द चांस यू मे नॉट एबल टू गेट वन इन अदर सिटीज इन तिब्बत, मतलब तिब्बत में आपको और कहीं भी सिम नहीं मिलेगी गायरोंग के अलावा। अगर आपको लेनी है तो गायरोंग में ही ले लो, गाइड से बोल देना वो दिलवा देगा, वरना फिर सीधा आपको मेनलैंड चाइना में मिलेगी, तिब्बत में सिम नहीं मिलनी। इसके अलावा इफ यू वांट टू यूज फेसबुक गूगल वगैरह तो उसके लिए आपको वीपीएन डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ वहां पे बैन है। गैस स्टेशन की इन्होंने लोकेशन दे रखी है। इसके अलावा अगर आपको हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है, क्योंकि तिब्बत में हम जितने भी रीजन में जाने वाले हैं वो लगभग 3500 मीटर यानी कि जो ले है ना अपना लद्दाख में उतनी ही हाइट पे है, तो भाई ब्रेथलेसनेस या फिर हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है, सर दर्द वगैरह आना नॉर्मल है, उसके लिए इन्होंने टैबलेट लिखी है 3 से 4 दिन पहले ले सकते हो। हालांकि हमने ऑक्सीजन सिलेंडर पोर्टेबल वाले गाड़ी में रखे हुए हैं, तो इन केस अगर जरूरत पड़ती है हम ऑक्सीजन ले लेंगे, और मैंने वो भी दवाई भी ले रखी है, क्या नाम था उसका, एक गोली है पता नहीं फेमस सी बड़ी, वो भी रख रखी है, अगर जरूरत पड़ेगी तो खा लेंगे। फिर इन्होंने एक पूरी की पूरी भाई पीडीएफ बना के दी है, आपको तो दिख नहीं रही होगी, इसमें सारे चाइना के रूल्स लिखे हैं ड्राइविंग के, तो बहुत बड़ी है ये, तो मैं आपको क्या ही बताऊं। इंश्योरेंस चाहिए जो हमारा गाइड हमें दिलवाएगा, मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर है इंडिया की तरह, ओवरटेक आपको लेफ्ट से करना है, रूल्स जो है वो उल्टे हैं इंडिया से, तो ये नॉर्मल ही है भाई सब कुछ। इन केस ऑफ ड्रिंक एंड ड्राइव का केस होता तो 20 mg से ज्यादा अल्कोहल नहीं होना चाहिए 100 ml ऑफ ब्लड में पाया गया, तो चलान भी मोटा है और स्ट्रिक्टनेस बहुत है, समझ रहे हो। तो ये तो इतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे, ना हम पीते हैं ना हम रूल तोड़ते हैं भाई, तो मोटा मोटा तो यही थी भाई। और इसके अलावा हमारे जो गाइड है, हाँ इन्होंने कहा हम एक दिन लेट हो गए ना, हमें आज पहुंच जाना चाहिए था बॉर्डर और कल क्रॉसिंग करनी थी, बट हम एक दिन लेट है, तो ये कह रहे हैं हमारे जो गाइड है वो ऑलरेडी बॉर्डर पे आ चुके हैं, तो एक दिन के $120 यानी कि लगभग 9,000-10,000 रुपए हमें अब एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए बॉर्डर पे वो आ चुके हैं भाई साहब, बट हम नहीं पहुंच पाए। तो वैसे तो खर्चा बहुत है चाइना में एंटर करने का, वो मैं आपको क्रॉसिंग वाली वीडियो में समझाऊंगा कि कितना पैसा लगा है हमारा। बस बाकी यही थी भाई, मेन गाइडलाइंस आपको समझा दी, बाकी हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है वहां पे बॉर्डर पे और चाइना के अंदर वो आप आने वाले व्लॉग्स में देखोगे, बहुत ज्यादा क्रेजी वाला वो होने वाला है भाई एडवेंचर हमारे लिए भी, और आपको भी मजा आएगा आई नो। तो बने रहना चैनल पे, नए हो सब्सक्राइब मार देना, हम चैन की नींद सोते हैं भाई, क्योंकि नींद की जरूरत है। कल का जो सफर है ना आपको मैं बताऊं, सिर्फ 140 किलोमीटर है, 140 से भी कम है, और गूगल मैप पता कितने घंटे दिखा रहा है, 6 घंटे, 150 किलोमीटर से भी कम के लिए 6 घंटे भाई, मतलब क्या गंदे लेवल के रोड होंगे, और कमर की वैसी बैंड बजी पड़ी है, बैंड बजने वाली है सही में। तो आज अच्छे से नींद पूरी करते हैं और कल टॉर्चर के लिए ना रेडी रहते हैं जो रोड पे हमें मिलने वाला है गाड़ी के अंदर। भाई खत्म करते हैं व्लॉग को भाई, मेरे कोर्स का लिंक दे रखा है, कोर्स जाओ एनरोल करो, पूरा वर्ल्ड फ्री में कैसे ट्रैवल करते हैं सीखो, काफी सस्ता है कोर्स, अच्छा खासा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, IB40 कोड यूज करना। अभी मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। Bye.